हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, बीसी थर्ड ईयर हम यहाँ पर जो लास्ट पार्ट हमने किया था वो हमने की थी थ्योरम्स, और आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, रैखिक योग यानी कि लीनियर सम। लीनियर सम क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसको समझेंगे। हमारा दो समष्टि है, यदि यू ऑफ एफ तथा डब्ल्यू ऑफ एफ सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के, ठीक है, वी ऑफ एफ के अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय है, तो इनका रैखिक योग, इनका जो रैखिक योग है वो निम्न प्रकार है, इन प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, वह यू प्लस डब्ल्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू, जो यू आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल यू में से, और जो स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है वो कैपिटल डब्ल्यू में से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, ये हमारी परिभाषा है। प्रश्न क्या है कि दो उप समष्टियां हैं, ऐसे तो उप समुच्चय है, यू ऑफ एफ और डब्ल्यू ऑफ एफ जो है वो सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के अरिक्त उप समुच्चय हैं, यानी कि उप समष्टियां भी होंगी। ठीक है, तो इनका रैखिक योग, इनका जो रैखिक योग है वो निम्न प्रकार से परिभाषित है कि यू प्लस डब्ल्यू जो है ना वो स्मॉल यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल यू तो आ रहा है कैपिटल यू में से और स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है कैपिटल डब्ल्यू में से, राइट। तो ध्यान दीजिए आप इस बात का कि आपके पास जो U और V का हम योग कर रहे हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं ना उनका योग होगा, जो उनके एलिमेंट्स हैं उनका योग होगा, ना कि उनके समुच्चयों का। एलिमेंट्स को देखा जाएगा कि एलिमेंट्स आपस में किस हिसाब से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब सर बेस हम एक थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर हमारे पास है 7। तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना इसे हम कहते हैं मॉडर्न एलजेब्रा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मॉडर्न एलजेब्रा। यू ऑफ एफ तथा डब्ल्यू ऑफ एफ सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के दो उप समष्टि हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक बार थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पर उप समुच्चय की जगह यहाँ पर उप समष्टि कर देते हैं। ठीक है, ओके, उप समष्टि समुच्चय से तो कोई भी पार नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी डेफिनेशन में आपको रूल्स तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी, तो उस समुच्चय को ज़्यादा रूल होते नहीं है। ठीक है, जो रूल्स चाहिए हमको, हमें नियम्स ऑलरेडी कंटेन करने हैं, तो यहाँ पर उप समष्टि होना चाहिए। ठीक है, वी एफ के दो उप समष्टि है, तो ये कहता है कि U प्लस डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल दोनों का F पर समष्टि भी क्या होगा, भी उप समष्टि होगा। ठीक है, समझ में आया चीज कि U ऑफ F तथा W ऑफ F जो है उसे समष्टि V ऑफ F के दो उप समष्टि हैं, तो U प्लस W ऑफ एफ भी क्या होना चाहिए, उप समष्टि होनी चाहिए। एक सिंपल सी ये चीज बताई गई है कि जो लीनियर सम है ना दो समष्टियों का, वो भी क्या होगा, एक लीनियर सम होगा, या फिर कहें तो वो भी एक उप समष्टि होगी। ठीक है, तो प्रूफ हम करते हैं इसको, रैखिक योग हम देखते हैं, रैखिक योग क्या है। ठीक है, ध्यान से पूरा कवर हो रहा है ये पेज, तो
लेकिन योर यू प्लस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू फाइव, खाली सत्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जीरो है ना वो बिलोंग करेगा यू में से, और जीरो ही अगर बिलोंग करेगा डब्ल्यू में से, कुछ और अगर करे ना करे जीरो यहाँ पर जरूर करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है। सवाल क्या होगा, जीरो प्लस जीरो वेक्टर है सारे बराबर करेगा जीरो, जो जीरो प्लस यू प्लस डब्ल्यू के साथ बैठ रहा है, ठीक है। अब यदि एक्स वाई बिलोंग टू क्या है यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जो है हम दो मान लिए जो यू प्लस डब्ल्यू में से आते हैं, ठीक है, तब एक्स बराबर यू वन प्लस डब्ल्यू वन, ठीक है, और एक्स टू बराबर या हम कहें तो वाई बराबर यू टू प्लस वी टू, ठीक है, हम कहें तो डब्लू टू, ठीक है, जो भी यहाँ पे सिंबल दे रहा था उसके साथ में इसका हो जाएगा डब्लू टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो y है वो u2 टू डब्लू टू हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि u1 u2 belongs to u and w1 w2 belongs to किसके w, राइट। ये तो हो गया बस लीनियर सम में। अब साथ में उपसमष्टि प्रूव करनी है तो क्या क्या होना चाहिए, उपसमष्टि का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, समष्टि की सारी परिभाषाएं सारे रूल्स जो है वो फॉलो कर दें। तो ये रूल आता है हमारे पास अदिश गुणन, ठीक है, तो अदिश हम लेते हैं अल्फा बीटा, अदिश अल्फा बीटा, ठीक है, बिलोंग्स टू एफ के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रहेगा अल्फा इंटू में एक्स प्लस बीटा इंटू में वी सॉरी वाई बराबर, ठीक है, टर्म क्या हो जाएगी अल्फा एक्स क्या हो जाएगा यू वन प्लस डब्लू वन प्लस बीटा जाएगा और नाम आ जाएगी अल्फा टू प्लस डब्लू टू, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो अंदर से तो क्या हो जाएगा अल्फा यू वन प्लस बीटा अल्फा टू सॉरी यू टू, ये अल्फा नहीं है यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा डब्लू वन प्लस यू सॉरी डब्लू और डब्लू टू, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी काम करेगा। अब हमारे पास इसको मान लेते समीकरण नंबर तुमने मिला है हमारे को, ठीक है, तब यू ऑफ एफ और वी ऑफ एफ दोनों के समष्टि हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू भी क्या हो जाएगी बिलोंग्स टू यू और बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा यू वन और बीटा यू टू जो है ना ये जो टर्म है आपके पास ये कहाँ से आएगा यू में से कैपिटल यू में से, और ये क्या से आएगा कैपिटल डब्ल्यू में से, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हम आगे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा यानी कि हम कहें तो यू ऑफ एफ व डब्ल्यू ऑफ एफ वी ऑफ एफ को परिभाषित करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू एफ को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास क्या है यू एफ और डब्ल्यू एफ क्या है वी ऑफ एफ की उपसमष्टि है, वी ऑफ एफ की क्या है उपसमष्टि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड यू वन यू टू बिलोंग्स टू यू, देन अल्फा यू वन प्लस बीटा यू टू
इस बिलोंग्स टू कैपिटल यू सेमीकंडक्टर नंबर ए एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड डब्लू वन डब्लू टू बिलोंग्स टू डब्लू देन ए यू वन प्लस बीटा डब्लू टू बिलोंग्स टू किसे हो जाएगा डब्लू। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स हैं या जो तरीके हैं करने का वो ये है, ये आपको पता है कि U और W क्या है उस समष्टि है, तो उस समष्टि परिभाषा पूर्ण करेगी। नहीं, अदिश गुणन के लिए भी क्या होगा, ये अदिश गुणन इसमें भी होगा, किसमें U और W में। तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, U1 U2 बिलोंग्स टू U, देन अल्फा U1 और बीटा U2 बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए U1। हमने थ्योरम पढ़ी लास्ट में, तो इस तरह का रूल अगर हो तो समष्टि प्रूव की जा सकती है। और बड़े रूल हमने बनाए हैं, जो रूल इजीली लगता है वो हम लगा देते हैं। तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, देन डब्लू वन डब्लू टू बिलोंग्स टू डब्लू, देन ए यू वन प्लस बी डब्लू टू बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, तो ये टर्म हम जो हमारे पास क्लियर हुई यहाँ पे। अब हाँ, एक हम कर लेते हैं इसका। ठीक है, लीनियर सम में अब बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू। ठीक है, अल्फा यू वन प्लस बीटा U2 प्लस अल्फा W1 प्लस बीटा W2। ठीक है, ठीक है, ये जो वैल्यू कहां से आएगी, अल्फा U1 प्लस बीटा W2 belongs to U and alpha U1 plus beta W2 belongs to W। ठीक है, यहाँ पर तो ये रहेगा U1 और U2, राइट। तो ये U1 आ जाएगा, U2 आ जाएगा, प्लस W1 और W2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हम ऐड कर रहे हैं, अल्फा U1 पर U2 और W2 दोनों W2 belongs to आ जाएगा U प्लस W, राइट। ये जो रहेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो इसका क्या हो गया कि जो यू ऑफ एफ है यानी कि वैल्यू वी ऑफ एफ, यू एफ और डब्लू ऑफ एफ, वी ऑफ दोनों वी ऑफ एफ की परिभाषा उप समझती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टर्म है, यहाँ पास टर्म बने, जैसे यहाँ पे आपका बीटा वाई बराबर यू प्लस डब्लू है, तो इसी से हमने यहाँ पर पहचान लिया कि जो टर्म है हमारी इस, ये एक नॉर्मली शो होती है जिसको हम क्या कहते हैं उप समष्टि प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यू और डब्लू जो है दोनों वी ऑफ एफ की उप समष्टि, लेकिन उसमें परिभाषा को प्रूफ कैसे किया जाए कि ये इसकी उप समष्टि है। तो समष्टि प्रूफ करने के लिए हमें रूल होता है हमारे पास, जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर बिलोंग्स टू यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो हमारे पास जो है यू एफ और डब्लू एफ दोनों वी एफ की उप समष्टि है, तो यू प्लस डब्लू ऑफ एफ ये भी तो वी ऑफ एफ की उप समष्टि है, की उप समष्टि है। ठीक है, थ्योरम जो है आपकी यहाँ पर कम्प्लीटली प्रूफ हो गई। देखो थ्योरम्स जो है वो तो काफ़ी सारी है, मान ली मिल लिया हम जो आगे करेंगे वो अनुलोम जो हो गया और भी हो, लेकिन टर्म्स जो है आपको समझ में आनी चाहिए कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती थी, जैसे हम पहले भी ऑलरेडी चीज करके आते लीनियर सम, अब लीनियर सम की जो डेफिनेशन है हमने वो पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमको ये लगता है कि जो थ्योरम्स है वो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। अब थ्योरम जब हमारे सामने आती है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास भाई एजिस क्वेश्चन होंगे, जैसे भाई कि यू प्लस डब्लू जो है वो एक समझती है नहीं, और यू और वी डब्लू अलग लगे, ऐसे हमारे पास हर एक पार्ट में चाहे वो सब ग्रुप हो चाहे वो समाकलित हो, हर पार्ट में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन की हम नेक्स्टली प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम चाहे तो इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इस पार्ट का या कहें तो इस चैप्टर का। ठीक है,
तो इजिली वे में काम अगर हमारा हो रहा है तो आप उसी को प्रेफर करें, उसी में हम देखें। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमारे हिसाब से भाई थ्योरम है वो लगभग 5 ही नंबर की आती है। ठीक है, तो आपको ये देखना ही जरूरी है 5 नंबर की हो, 17 से कम नंबर की भी हो, तो प्रिपरेशन वो पूरी रख ली। ठीक है, क्लियरली आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखे। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितना छोड़ना, ये पार्ट में सीखे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखे, अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अगर आपको आ गया तो आप इसी पेपर में नहीं, आने वाले हर पेपर में, चाहे वो अब इसके बाद एमएससी का हो, आईडी जैम हो, एंट्रेंस जो लगता है एमएससी के लिए वो हो, उस सब में आप इजीली इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।